झांसी का सीपरी बाजार इस समय पर अव्यवस्थाओं का केंद्र बना हुआ है। झांसी के सीपरी बाजार में हर जगह पर जलभराव के कारण आने जाने वाले राहगीरों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में सीपरी बाजार के मुख्य मार्ग पर स्थित पक्के पुल के नीचे अत्यधिक जलभराव के कारण से पैदल चलने वाले दोपहिया वाहन वालों को भी अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पक्के पुल के नीचे बारिश के बाद घंटों तक जल जमा रहता है। जल की निकासी की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण से पुल से गुजरते समय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में अक्सर दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, परंतु प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है। बार बार हो रही इस समस्या की तरफ उसका ध्यान नहीं जा रहा। नगर निगम का ध्यान भी इस तरफ नहीं आ रहा। यह समस्या कब तक दूर होगी, यह तो नगर निगम ही तय करेगा। ऐसा ही एक मामला हम अलीगोल खिड़की के एवन इलाके में भी देख सकते हैं, जहां पर पानी भरा होने के कारण लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत समस्या हो रही है, आम जनता में बहुत समस्या हो रही है।